नमस्कार एनबीसी 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीते दिनों बिहार का राकेश कुमार मिश्रा दरभंगा का रहने वाला एक युवक ने रिलायंस हॉस्पिटल में फोन कर साफ साफ कहा था मुकेश अंबानी को और मुकेश अंबानी के एंटिलिया हाउस को उड़ा दूंगा, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक टीम गठित की, जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीम जो है बिहार पहुंची, बिहार के दरभंगा पहुंची। वहीं बिहार पुलिस के तमाम पदाधिकारियों के सपोर्ट से जो है दरभंगा के एक क्षेत्र में तमाम जगहों पर जो छापेमारी हुई, उसके बाद जो सर्विलेंस पे है मोबाइल चेक किया गया रखकर, और वहीं राकेश कुमार मिश्रा को पकड़ लिया गया। बता दें आपको कि SSP जो कि दरभंगा के, उन्होंने तमाम जानकारी दी। वहीं बता दें आपको कि यह मामला जो है वो कहीं ना कहीं दरभंगा का है, दरभंगा का रहने वाला राकेश कुमार मिश्रा था। वहीं बता दें आपको कि धमकी देने वाला उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला युवक जो है दरभंगा से गिरफ्तार हुआ है। बता दें आपको कि राकेश कुमार मिश्रा दरभंगा के एक छोटे से गांव में रहता था। वहीं बता दें आपको कि मनिगाछी के ब्रह्मापुर गांव में रहता था वो। बता दें आपको कि निवासी सुनील कुमार मिश्र के पुत्र राकेश कुमार मिश्रा को मुंबई पुलिस जो है बुधवार को गिरफ्तार कर ले गई है मुंबई। बता दें किया जाएगा, जिसको लेकर SSP जो है अवकाश कुमार दरभंगा के, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप। क्या है सर, मनिगाछी में जो गिरफ्तारी हुई, किस मामले में हुई है, क्या मामला? कल दोपहर में मुंबई पुलिस से फोन आया था हम लोगों को कि वहाँ एक हॉस्पिटल है जो अंबानी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें सुबह और शाम दो बार धमकी भरी कॉल आई है हॉस्पिटल को उड़ा देने के संबंध में। और उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो दरभंगा में उसका लोकेशन पाया गया। उसके लिए वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया था, तत्काल इसकी सूचना वहाँ के थाना प्रभारी को और अपनी टेक्निकल टीम को दी गई उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। और एक दो घंटे के अंदर ही वो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम राकेश कुमार मिश्रा है, पिता सुनील मिश्रा, ब्रह्मपुरा का रहने वाला, मनिगाछी थाना का। रात में, देर रात्रि में मुंबई पुलिस यहां पर आई है उसको अरेस्ट कर और अपने साथ लेकर मुंबई में वहां पर न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए ले गई है। इस संबंध में विशेष जानकारी जो भी है केस के डिटेल में वो वहाँ पे मुंबई पुलिस ही दे सकती है। हम लोग को सहयोग करना था, वो हमारी पुलिस ने यहाँ पर किया। क्या है सर बैकग्राउंड, क्या है सुनील कुमार इसकी, राकेश कुमार मिश्रा, पुलिस रिकॉर्ड क्या है? पुलिस रिकॉर्ड ऐसा सच कुछ अभी नहीं मिला है हम लोगों को। हमारे जो लोकल थाना वहाँ पर तो कुछ नहीं है और हम लोग देख रहे हैं कहीं और पर कुछ हो तो, बाकी डिटेल वहाँ से मुंबई पुलिस अपना खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस संबंध में तो हम एक्सपर्ट नहीं हैं कि मानसिक स्थिति का किसी का आकलन कर सके। जो भी होगा वो तो वहाँ टेस्ट वेस्ट कराया ही जाएगा, अभी उसका टेस्ट होता ही है, मेडिकल टेस्ट तो कुछ होगा तो ऐसा, बट हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, अप्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको, हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के। तो क्या राकेश कुमार की मोबाइल से सर धमकी दी गई थी, ये कन्फर्म है? जी हाँ, मोबाइल जो यूज़ किया गया था उन्हीं का। तो आपने सुना दरभंगा के SSP हैं अवकाश कुमार, उनका साफ कहना है कि सर्विलांस पर रखकर हमने टीम गठित की थी, मुंबई से जो पुलिस की टीम है वो पहुंची थी और वहीं छापेमारी कर राकेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस की टीम जो है वो लेके गई है। वहीं उनका साफ कहना था कि बीते दिनों टोल फ्री नंबर पर रिलायंस के एक हॉस्पिटल में फोन कर राकेश कुमार मिश्रा ने यह कहा था कि आपके पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। वहीं उनका साफ कहना था कि एंटिलिया हाउस को भी उड़ा दूंगा, जिसके बाद मुंबई पुलिस जो है बिहार पहुंच गई और बिहार पहुंचकर दरभंगा पहुंची और वहीं राकेश कुमार मिश्रा को बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर मुंबई लेके गई है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सच है और क्या झूठ है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।